subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी अनिवार्य की पुस्तक, यानी कि हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आपके व्याकरण की पुस्तक है हिंदी व्याकरण, उसमें चैप्टर है अलंकार। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। कई व्यूवर्स का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने अलंकार को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की, तो मैं इससे पहले एक और टॉपिक था आपके शब्द शक्ति वाला, तो उससे पहले अलंकार को मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि कई बच्चों की, कई स्टूडेंट्स की, व्यूवर्स की डिमांड है अलंकार पढ़ाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और इस वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक अलंकार की। तो जी हाँ दोस्तों, अलंकार जो टॉपिक है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा कॉलेज में भी अलंकार आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही कई जो एग्जाम्स वगैरह हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह हैं, उनमें भी अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अलंकार को बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान लगा करके आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अलंकार की परिभाषा। परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। देखिए, परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ये बातें लिखनी जो हम पढ़ रहे हैं। अलंकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी कि गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से या मिलन से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। देखिए, जैसा कि ऊपर बताया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जिस प्रकार आभूषण या गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसके शब्दों और अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, और ऐसे कारकों को ही अलंकार कहते हैं। देखिए, आचार्य केशव ने काव्य में अलंकारों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवरत भूषण बिनु न विराजई कविता भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। भले ही नारी या स्त्री कितनी सुंदर हो, लेकिन भूषण के बिना उसका श्रृंगार अधूरा होता है, यानी कि गहने या आभूषण जब वह धारण कर लेती है उसके बाद उसके शरीर की शोभा और बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो कविता है, कविता भी भूषण यानी कि अलंकार के बिना उसकी जो उसका जो सौंदर्य है वो कम हो जाता है, और जैसे ही अलंकार यदि कविता में प्रयोग कर लिया जाता है तो कविता की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। वास्तव में अलंकारों से काव्य रुचिप्रद और पठनीय बनता है, भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है, कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता व प्रभावोत्पादकता आने से कविता संप्रेषणीय बन जाती है। तो देखिए, जो अलंकार है उससे काव्य रुचिप्रद बनता है, पठनीय बनता है, साथ ही भाषा में गुणवत्ता प्राणवत्ता भी बढ़ जाती है, साथ ही स्पष्टता प्रभावोत्पादकता और कविता संप्रेषणीय बन जाती है। तो इस प्रकार से आप अलंकार की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं यदि आपके प्रश्न आ जाए। चलिए अब बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शब्दालंकार की। चलिए शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं। काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः शब्द में होता है, अर्थात जहां शब्दों के प्रयोग से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ नहीं बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। तो देखिए, सीधे सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि शब्दालंकार कहा होता है कि काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः किसमें होता है, शब्द में, अर्थात शब्दों के प्रयोग करने से सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो काव्य में चमत्कार है वो किस में निहित होता है, शब्दों में, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। देखिए, शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार के भेद हैं। अब देखिए, जो शब्दालंकार हैं उनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास जो है वो शब्दालंकार है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, प्रश्न आपके आ सकता है कि
अलंकार की परिभाषा बताते हुए अलंकार के भेद समझाइए। तो आप परिभाषा पढ़ चुके, साथ ही भेद भी हम पढ़ चुके। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब जो पहला शब्द अलंकार है वो है अनुप्रास। देखिए अनुप्रास की परिभाषा, वाक्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सीधे शब्दों में सरल तरीके से इसे यूं समझिए कि काव्य में जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए काव्य में जब एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, या ऐसे भी लिख सकते हैं काव्य में जब एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। अब ये देखिए ऊपर जो तीन उदाहरण अभी हमने पढ़े, इन तीनों उदाहरणों में कर्मशः पहले में देखिए भ जो वर्ण है इसकी बारी बारी से आवृत्ति हो रही है, दूसरे में त जो त वर्ण है, और तीसरे में ग वर्ण की आवृत्ति हो रही, यानी कि बारी बारी से आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है तब वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस तरीके से उदाहरण है, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास आदि अनुप्रास के उपभेद हैं। अनुप्रास के भी उपभेद हैं, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये अनुप्रास के उपभेद हैं, तो इनको भी आप ध्यान से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है अनुप्रास के उपभेद कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं अनुप्रास जो है अलंकार, तो आप लिख सकते हैं छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये अनुप्रास के उपभेद हैं। चलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द अलंकार है वो है यमक। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो या अलग हो तब वहां यमक अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, वर्ण की, अक्षर की, लेकिन यहां पर शब्द की ही आवृत्ति हो रही है। देखिए यमक में क्या है कि काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ, और देखिए दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। अब यहां पर देखिए जो कनक शब्द है यह दो बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले में कनक का अर्थ है सोना और दूसरे में है धतुरा। इस प्रकार से कनक शब्द दो बार, ये देखिए दोबारा आप, कनक कनक ते सोगुनी, यानी कि कनक यानी कि सोना जो है, दूसरे कनक का अर्थ धतुरा, सोने में धतुरे से भी सोगुनी मादकता यानी कि नशा होता है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है और दोनों बार यानी कि हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और उदाहरण आप देख सकते हैं, गुनी गुनी सब के कहे निगुनी गुनी न हो, तो सुनियो कहूँ तरु अरक ते अरक समानु उदोत। यहाँ पर देखिए ये जो गुनी शब्द है साथ ही अरक जो शब्द है तो ये दो बार आ रहा है। इसी तरह ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहाती है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी तरह तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यहाँ पर जो तीन बेर खाती थी, जो पहला वाला जो तीन बेर है इसका मतलब है तीन बार, जो तीन बार दिन में तीन बार भोजन करती थी वो तीन बेर खाती है, यहाँ पर तीन बेर। दूसरा वाला जो तीन बेर है इसका अर्थ है बेर, यानी कि जो बोर नामक जो फल होता है बेर, वो यहाँ पर इसका अर्थ है। तो देखिए दोनों जगह अलग अलग अर्थ है, शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण हमने देख लिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा शब्द अलंकार है श्लेष। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए
श्लेष में आप यूं समझिए कि श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात एक ही शब्द से बहुत से अर्थ चिपके हुए रहते हैं। तो इसको आप परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, एक ही शब्द है लेकिन प्रसंग के अनुसार, यानी कि प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ उसके निकलते हो, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर देखिए जो पानी शब्द है, पानी शब्द का मोती के अर्थ में है चमक, जबकि मनुष्य दूसरा है ना, मनुष्य मानुष, मोती मानुष चून, तीनों के अर्थ में पानी का अलग अलग अर्थ है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में है चमक, और मनुष्य के संदर्भ में है इज्जत या सम्मान, और चून यानी आटा के संदर्भ में है जल। तो इस तरीके से एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। उदाहरण एक और देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि वेविचारी चोर। यहाँ सुवर्ण में श्लेष है, ये जो सुवर्ण शब्द है इसमें श्लेष है। सुवर्ण का कवि के संदर्भ में सुवर्ण यानी कि सुंदर अक्षर, अच्छा अक्षर, और व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप, क्योंकि जो व्यभिचारी होता है वो सुंदर रूप की तलाश करता है। और चोर के संदर्भ में यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ है सोना, जो चोर है वो सोने की तलाश में रहता है, उसको ढूंढता फिरता है। तो देखिए शब्द एक ही है लेकिन प्रसंग के अनुसार कवि के साथ जुड़ेंगे तो अलग अर्थ है, व्यभिचारी के साथ अलग अर्थ है, चोर के साथ जुड़ेंगे तो अलग अर्थ है। इस प्रकार से एक ही शब्द का प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ जहां होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए ये तो थे शब्द अलंकार। काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित तो हो वहां अर्थालंकार होता है। अब देखिए जो शब्दालंकार हमने पढ़ा, शब्दालंकार में जो सौंदर्य था वो किसमें निहित था, शब्द में, लेकिन यहां पर सौंदर्य जो है वो किसमें निहित है, अर्थ में, समझिए इसको। तो काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वो अर्थालंकार या वहां अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार वैसा का वैसा बना रहता है। यदि किसी शब्द को हटा के उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दे फिर भी वह चमत्कार बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्य या चमत्कार किस में है, अर्थ में, ना कि शब्द में। और उधर यानी कि शब्दालंकार में क्या था, शब्दालंकार में यदि हम शब्द हटा देते थे तो उसका जो चमत्कार है सौंदर्य वो समाप्त हो जाता था, क्योंकि वहां पर अलंकार में जो सौंदर्य है, जो चमत्कार है, वो शब्द में नहीं था, इसलिए शब्द अलंकार में वो प्रभावित होता था। लेकिन यहाँ पर अर्थालंकार में इसको समझिए, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि अर्थालंकार अर्थात जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में नहीं तो वह अर्थालंकार होता है। और इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्याय या समानार्थी रख दे तो भी चमत्कार वैसा का वैसा बना रहता है। देखिए कौन कौन से हैं अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अर्थालंकार हैं। चलिए मुख्य मुख्य जो अलंकार है अर्थालंकार उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उपमा, उपमा अलंकार को हम देखते हैं। काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति या वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहां अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो। अब देखिए उपमा में क्या होता है कि काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति या दो भिन्न वस्तुओं के बीच किसी विशेष गुण, आकृति, भाव, रूप, रंग आदि को लेकर के कोई समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में समानता बतलाई जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए सागर सा गंभीर हृदय, तो हृदय कैसा है, सागर के जैसा गंभीर है। तो यहां पर देखिए जो हृदय है उसको सागर के जैसा बताया गया है, और किस कारण, विशेष गुण के कारण, यानी कि जो गंभीरता वाला जो गुण है इस कारण हृदय को सागर के समान गंभीर बताया गया है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब देखिए उपमा को समझने के लिए थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा कि उपमा के चार अंग होते हैं। देखिए चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। इससे आपको उपमा अलंकार है वो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए पहला अंग है उपमेय। वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु यानी कि जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है। उक्त उदाहरण में हृदय के बारे में कहा गया है, तो हृदय क्या है, उपमेय है। देखिए उपमेय क्या होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु यानी कि जिसकी समानता किसी अन्य से बतलाई जाती है वह उपमेय
होता है। अब यहां पर देखिए किसकी समानता, हृदय की समानता सागर से बतलाई जा रही है, तो यहां पर हृदय क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि हृदय की यानी कि जिसकी समानता किसी अन्य से बतलाई जाती है तो वह क्या हो जाता है, उपमेय। तो यहां पर जो हृदय है यह क्या है, उपमेय है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखिए उपमान, उपमान किसे कहते हैं, जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं, यानी कि उपमेय की समानता जिससे बतलाई जाती है वह उपमान कहलाता है। उदाहरण में देखिए हृदय की समानता, देखिए हृदय क्या है, उपमेय है। अब हृदय की समानता किससे बताई जा रही है, सागर से, तो यहां सागर क्या हो गया, उपमान है। तो यूं समझिए देखिए कि यहां पर हृदय क्या है, उपमेय, क्योंकि हृदय की समानता बताई जा रही है, किससे बताई जा रही है, सागर से, तो सागर क्या हो गया, उपमान हो गया। अब देखिए समान धर्म, उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला जो गुण है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे उक्त उदाहरण में हृदय और सागर में कौन से गुण को लेकर समानता बताई गई है, गंभीरता वाला जो गुण है उसको लेकर समानता बतलाई गई है। तो इसमें गंभीर शब्द क्या हो गया, समान धर्म हो गया। देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, तो समान धर्म यानी कि दोनों में, सागर और हृदय दोनों में समानता कैसे है, गंभीरता को लेकर के। तो ये जो गंभीर शब्द है ये क्या हो गया, समान धर्म है। तो इसे इस तरीके से आसानी से आप समझ सकते हैं कि उपमेय और उपमान में समान रूप से जो पाए जाने वाला गुण है वह समान धर्म कहलाता है। वाचक शब्द देखिए, जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब देखिए उपमान और उपमेय को समान धर्म के साथ जिस शब्द से जोड़ा जाता है वह क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। इस उदाहरण में देखिए ये जो है सा शब्द जो है यह, यहां पर देखिए आप सागर सा गंभीर हृदय हो, तो यह जो है सा जो शब्द है यहां पर ये उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय दोनों को किससे जोड़ रहा है, ये जो समान धर्म है इससे जोड़ रहा है, तो यहां पर ये वाचक शब्द हो जाएगा। तो देखिए उक्त उदाहरण में सा शब्द द्वारा उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बतलाया गया है, अतः सा शब्द क्या है, वाचक, ये इनके बारे में बता रहा है। दोबारा इसको पढ़ेंगे, देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, तो यह जो सा है यह क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपमा जो अलंकार है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए उदाहरण देखिए उपमा अलंकार के, और उदाहरण पीपर पात सरिस मंडोला कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब देखिए पहले उदाहरण में उपमेय क्या है, यहां पर समझिए, और पहले उदाहरण में उपमेय पीपर पात सरिस मंडोला, उपमेय क्या है, मन, क्योंकि मन की तुलना किससे, मन की समानता किससे बताई जा रही है, पीपर पात यानी कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, तो जो मन है वह हो जाएगा उपमेय। उपमान यानी कि किससे तुलना की जा रही है, किससे समानता बताई जा रही है, उपमान कौन है, पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान। अब समान धर्म क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि डोला, इसलिए डोलने के कारण मन का पीपल के पत्ते से समानता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा समान धर्म। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा, सरिस, ये जो सरिस है पीपर पात सरिस मंडोला, ये सरिस क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। अतः उपमा के चार अंगों का प्रयोग इसमें हुआ है, इसलिए इसे पूर्णोपमा भी कहते हैं। जबकि दूसरे उदाहरण में देखिए कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, इसमें देखिए दूसरे उदाहरण में उपमेय है यहां पर वचन, और उपमान है कोटि कुलिस, यानी कि वचन की तुलना किससे की जा रही है, कोटि कुलिस, इससे वचन की तुलना की जाए, वाचक है, सम का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर समान धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, भाई कोटि कुलिस की तरह कठोर है या क्या है, केवल यहां पर बताया गया है कि जो वचन है तुम्हारा यह कोटि कुलिस के समान है। अब है कैसा, कठोर है, कड़वा है, ये नहीं बताया, इसलिए यहां पर समान धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। इसे यहां पर कौन सा उपमा हो गए, लुप्तोपमा इसे कहा जाएगा, क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंगों का समावेश नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार की भी कुछ भेद हैं, लेकिन फिर भी अधिकांशतः उपमा अलंकार जो है उसकी परिभाषा और उदाहरण पूछे जाते हैं, और साथ ही उपमा के जो चार अंग है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें भी आप देख लें, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, इसे भी आप अच्छे से देख लें। और उपमा में क्या, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सा, सम, इनसे भी आप उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं, सरिस, ये देखिए, तो यहाँ पर समानता की जा रही है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रूपक अलंकार, देखिए महत्वपूर्ण अलंकार है। काव्य में
जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, एक जैसा मान लिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य में यानी कि रूपी वाचक शब्द आता है, उपमेय और उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द आता है, जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, देखिए उदाहरण है यहाँ पर, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उक्त उदाहरण में तीन स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए अंबर पनघट इसमें रूपक अलंकार है, यहाँ पर तारा घट यहाँ भी रूपक, और उषा नागरी। अब इसमें देखिए जैसा कि अभी बताया कि रूपक अलंकार जो है इसमें उपमेय और उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है और इन दोनों के बीच में रूपी वाचक शब्द आ जाता है जो छिपा रहता है लेकिन हम इसे मन में बोल सकते हैं। देखिए अंबर पनघट यानी कि अंबर रूपी पनघट में डूबो रही तारा रूपी घट यानी कि तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी, नागरी कहते हैं यहाँ पर स्त्री, सुंदर स्त्री को। तो देखिए इस तरीके से इसमें बीच में रूपी जो वाचक शब्द है वो ज्यादातर होता है, सभी में तो नहीं लेकिन अधिकांश तो ये होता है, तो इससे भी इसकी पहचान आराम से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण दिया हुआ है, चरण कमल बंदो हरी राही, तो चरण रूपी कमल, देखिए बिल्कुल अभेद आरोप है, चरण को कमल की तरह मान लिया गया है, तो चरण और कमल, तो इसको आप बीच में जो रूपी शब्द है वो आप जोड़ सकते हैं, चरण रूपी कमल बंदो हरी राई, इस तरीके से इसमें रूपक अलंकार है। बढ़ते हैं आगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तथा संभावना हेतु जनु मनु जानो मानो आदि में से किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत सरल अलंकार है देखिए उत्प्रेक्षा, जहां पर देखिए काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और संभावना हेतु जनु मनु जानो मानु आदि में से किसी एक वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। देखिए इसका जो अर्थ है वो आप देख सकते हैं, पीताम्बरधार यानी कि पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण हेतु कवि बिहारी संभावना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि पीतपट यानी कि पीले वस्त्रों को ओढ़े हुए कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का आतप यानी कि धूप शोभायमान हो रहा हो। तो यहाँ पर केवल संभावना की जा रही है। तो देखिए जैसा कि यहाँ बताया कि जनु मनु जानो मानो ये जो वाचक शब्द इनका प्रयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मनो आ गया, जनु मनु जानो मानो या जनो मनो ये भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभातो मनो यानी कि मानो, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण आप देख सकते हैं, देखिए लता भवंते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई निकसे जनु जनु जुग विमल विधु जलज विटल पटल विलगाई। अब देखिए यहाँ पर जनु आ गया, समझिए जनु मनु जानो मानो जैसा कि अभी हमने पढ़ा परिभाषा में, तो यहाँ पर जनु यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह एक और उदाहरण है, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंद। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या आ गया, मनु, मनु का मतलब मानो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखिए यमक और श्लेष में अंतर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके आ सकता है कि यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा देते हुए दोनों में अंतर बताइए, तो आपको क्या लिखना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, जबकि श्लेष अलंकार में किसी एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं। हम पहले पढ़ चुके, दोबारा फिर से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद होना या हो जाना चाहिए। उदाहरण देखिए, यमक का उदाहरण देखिए,
कनक कनक थे सो गुनी मादकता अधिकाय। श्लेष का उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस तरीके से दोनों का उदाहरण आप देख करके और अंतर समझा सकते हैं। इसी तरह देखिए उपमा और रूपक में क्या क्या अंतर है। देखिए उपमा अलंकार में किसी बात को लेकर के उपमेय एवं उपमान में समानता बताई जाती है। किसी बात अर्थात कोई गुण हो, रूप हो, कोई विशेषता हो, उसको लेकर के उपमेय और उपमान में क्या बताई जाती है, समानता बतलाई जाती है। जबकि रूपक में उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, उपमा का उदाहरण है पी पर पात सरिस मन डोला, और रूपक का है चरण कमल बंदो हरी राई। तो चरण रूपी कमल रूपक हो गया, और पी पर पात सरिस यानी कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो यहां पर सरिस से भी आप पहचान सकते हो उपमा अलंकार है। तो देखिए बहुत सरल है ये, दिखने में हमें जरूर कठिन लगते हैं अलंकार, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से अलंकार आपको आसानी से समझ में आएंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी यदि आपको कहीं दिक्कत है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न बहुत सरल है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा तो आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। सुनियो कहूं तरु अरकते अरक समान उदोतु, यहां पर अरक अरक शब्द दो बार आ रहा है तो यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसी तरह उपमा अलंकार कहां पर है, देखिए उपमा अंबर पनघट में डूबो रही। अब देखिए उपमा में जैसा कि हमने सुनी सुरसरी सम आ गया सम सरिस, तो यहां पर जो ख यानी कि जो दूसरा वाला है यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।